सभी दर्शकों को नमस्कार। हिंदुस्तान न्यूज टुडे में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत टांकड़ी में, जो कि गांव की सरकार के लिए आने वाली 12 तारीख को चुनाव होने जा रहा है। तो आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे, मनीषा देवी जी से। ये सरपंच पद की प्रत्याशी है, ये चुनाव लड़ने का क्यों मूड बनाया इन्होंने? नमस्कार जी। नमस्कार। ग्राम पंचायत टांकड़ी के सभी ग्राम वासियों का मेरा सादर नमस्कार। आपने चुनाव लड़ने का क्यों मूड बनाया? सभी मोहल्ले वाले गांव वालों के कहने पर, उनके सहयोग से मैंने यह विचार बनाया कि मैं इसके योग्य सरपंच पद के योग्य हूँ। गांव में एक तो लाइब्रेरी की व्यवस्था नहीं है, बच्चे पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं, तो मैं गांव में लाइब्रेरी खुलवाने का प्रयास करूंगी। एक मुद्दा तो ये है। और भी कोई? हाँ, दूसरा ये कि यहाँ पर जो स्कूल है वो 10वीं तक ही है, तो मैं कोशिश करूंगी उसे प्रमोट करने की कि वो 12वीं तक हो जाए। तो गांव की लड़कियां है जो, मतलब कि सब लड़कियां बाहर पढ़ने के लिए नहीं जा सकती है, इसलिए बहुत सी है उनको बीच में पढ़ाई छोड़नी भी पड़ जाती है। तो मैं कोशिश करूंगी कि ये स्कूल 12वीं तक हो, तो लड़कियां भी आराम से पढ़ सके और उनको बाहर ना जाने दें। जी, और भी कोई मुद्दे हैं? हाँ, जैसे कि गांव में साफ सफाई और निर्मल गांव बनाने की कोशिश करूंगी, सभी गलियों में लाइट दे जैसे, और हमारा गांव स्वच्छ दिखे। जी, और कुछ? हाँ, एक ये कि मैं गांव में साफ सफाई की व्यवस्था करने की कोशिश करूंगी, सभी गलियों में लाइटें वगैरह चसी रहे और मेरा गांव स्वच्छ दिखे, यदि अगर जनता मेरा सहयोग करती है तो। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा कि आने वाली 12 तारीख को ज्यादा ज्यादा वोट करें और मनीषा देवी के पक्ष में ज्यादा ज्यादा वोट डालें, और कोई भी गाँव की समस्या का उसके हल करने का जरूर जरूर प्रयास करेंगे।